बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फाइनली ये रिलीज होने के लिए जा रहा है। सिर्फ 3 दिन बाकी है और 21 जून से रात को 9 बजे आप इसको जियो सिनेमा पे देखने वाले रहोगे। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन कंफर्म कंटेस्टेंट है। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि एक फोटो और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें मुनव्वर फारूकी जो है स्टेज में होस्ट करते हुए देखे जा रहे हैं विद अनिल कपूर, और दूसरा एक वीडियो जो वायरल होता हुआ देखा जा रहा है जिसमें आप देखोगे कि एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी एक साथ बैठे हुए हैं। पिछले बार ये लोग ISPL में एक साथ दिखे थे सेल्फी लेते हुए, तो एल्विश यादव को सीधा एंटी हिंदू घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जहां सोशल मीडिया में वॉर ये चल रहा था कि भाई तुम उसके खिलाफ हो, तुम मुनव्वर फारूकी को पेल रहे हो क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम बंदा है और ये चीज होते रहना चाहिए। लेकिन जैसे ISPL में गए और वहां पे एक साथ जब देखे गए तो भाई भाईचारा ऑन टॉप हो गया। और इसी चीज का सवाल उठाते हुए इस बार इस वीडियो में एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, अभी जिस तरह से आप बैठे हुए हो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे, फैंस आप दोनों को एक साथ देख करके नाराज हो जाती है। जिसके जवाब में मुनव्वर फारूकी ने एल्विश यादव और खुद को सलमान एंड शाहरुख से कंपेयर करते हुए दिखा दिया कि सलमान एंड शाहरुख के फैंस भी आपस में भिड़ जाते हैं, आमिर खान के फैंस भी भिड़ जाते हैं, यहाँ तक कि आप IPL ही देख लो, RCB और मुंबई इंडियंस आपस में लड़ पड़ते हैं। तो भाई ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है और ये होना चाहिए, और फैंस जो है टाइम के साथ बेटर होती रहती है, बेहतर होती रहती है। और इसी चीज को बस हल्का सा टच देते हुए एल्विश यादव कह देते हैं कि मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है, नेगेटिविटी तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, देखिए आप भी मुझे नहीं दिख रहे हो। जहां तक कि एल्विश यादव की बात की जाए तो उनको अपने सोशल मीडिया में कम बैक करने के लिए कंटेंट का सहारा जो लेना पड़ा वो ध्रुव राठी की उतारने के बाद उनको वो हाइप मिली, वरना शायद इसके अलावा किसी टॉपिक में और वीडियो बनाते तो वो हाइप नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि भाई मौके पे चौका यही वक्त है मारने का, और इसी वक्त जो है मेरे अपने YouTube चैनल पे कमबैक करने का सही तरीका हो सकता है। तो भाई आप सोच ही सकते हो कि भाई पैसे के लिए क्या नहीं हो सकता। अब इन सारी चीजों को सुनकर के यार बिग बॉस के फैंस लोग भाई मेरे पे भड़क मत जाना, मैं बस फैक्ट की बात कर रहा था, जो रियलिटी है वही चीज। अब बात करते हैं कि भाई कंटेस्टेंट कौन कौन आने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम है सोनम खान, जो कि 90s के टाइम पे एक एक्ट्रेस थी, सनसुद्दीन शाह के साथ में त्रिदेव मूवी में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, वो सोनम खान आने वाली है। नंबर टू है सना मकबूल, जो कि भाई एक इन्फ्लुएंसर है, और आपको जानने की ज्यादा जरूरत है तो वेट कर लो, 21 जून को पता चल जाएगा क्या है ये। इसके अलावा सना सुल्तान के नाम पे एक एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर आने वाली है। अगला जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट अवेटेड है, जब वो मामला चल रहा था तभी सबने कह दिया था ये बिग बॉस पक्का जाएगी, और वो कोई और नहीं 50-50 रुपए में बेचने वाली वड़ा पाव गर्ल है वो, चंद्रिका दीक्षित। इसके अलावा अगर आपको टेम्पटेशन आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आया हो, उनका वो ड्रामा है कि भाई एक कपल दूसरे कपल के साथ में रहेंगे और कंट्रोल करके बताएंगे इन दोनों के बीच में कोई भी अफेयर नहीं होगा और दोनों अपने प्यार में लॉयल रहेंगे, तो भाई इस चीज के ऊपर में जो सबसे ज्यादा हाइप मिली थी जिसको, उनको बुलाया जा रहा है। चेष्टा भगत और निखिल मेहता, ये दोनों आने वाले हैं एज अ कपल ओटीटी सीजन 3 में। अलावा विशाल पांडे इन्फ्लुएंसर है, वो भी आने वाले। अगला नाम है पॉलमी दास। इसके अलावा अपने रियल इमरान हाशमी रियल लाइफ में चुम्मी दे करके भाई कंट्रोवर्सी करने वाले इंसान मिक्का सिंह, जो कि एक टाइम पे भाई पता नहीं क्या दीवाने हो गए थे राखी सावंत के पीछे कि सीधा चुम्मी ही ले डाला था। अगला नाम है साई केतन राव, मैं आई मिली इमाइल ये सब पढ़ रहा था, बाद में समझ में आया इमली, ये इमली शो में थे और अभी एक और फेमस शो पे काम किया उन्होंने जिसका नाम है मेहंदी है रचने वाली, तो वो भी आने वाले। ये सारे नाम कंफर्म्ड है, लेकिन एक नाम जो है शायद ये वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है या फिर पता नहीं क्या, क्योंकि एल्विश यादव के असिस्टेंट कह लो या फिर मैनेजर भाई, उसको लाया जा रहा है लव कटारिया, और इस चीज का कंफर्मेशन बहुत पहले न्यूज़मैन ने अपने वीडियो में दे रखा था, पर उसने नाम नहीं लिया था, उसने कह दिया था कि एक यूट्यूबर जो है वो तो पक्का है मुझे पता है पर मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेता हूं लव कटारिया, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है। ये सारे नाम है जो कि कंफर्म बताए जा रहे हैं बिग बॉस सीजन OTT 3 के लिए, और इसमें होस्ट करते हुए भाई फर्स्ट डे मुनव्वर फारूकी देखे जाने वाले हैं, अनिल कपूर सर तो है ही झकास मैन। अब देखते क्या होता है, आप बताओ कौन से कंटेस्टेंट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन से कंटेस्टेंट अनएक्सपेक्टेड और किस कंटेस्टेंट को लेकर के आप बहुत पहले से भाई दिमाग लगा चुके थे कि ये तो पक्का आने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो ऐसे और भी एक्साइटिंग अपडेट एंड रिव्यू रिएक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।